वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जेवलिन थ्रो फाइनल में पाकिस्तान की दूसरी पोजीशन, अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी स्टार की तवील थ्रो 87.82 मीटर रही। सिल्वर मेडल जीतने पर अरशद नदीम का सजदा शुक्र। भारत के नीरज चोपड़ा ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। 88.17 मीटर की सबसे तवील थ्रो फेंककर गोल्ड मेडल जीता। बिजली बिलों पर एहतजाज की शहर इकतदार में बाजगश्त, आवाम को रिलीफ देने के लिए वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला ना हो सका। अनवारुल हक काकड़ ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त ले लिया। 48 घंटों में आवाम को फैसलों से आगाह करने की यकीन दहानी। वजीर आजम आज वज़ीरे आला के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल में भी मामला रखा जाएगा। टैरिफ का तयन नफरा करता है। 63% सार्फीन के लिए टैरिफ में इजाफा नहीं हुआ। पावर डिवीजन की वजाहतें, बिल में बड़ा फर्क 400 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों पर हुआ। आइंदा बरस 2 खरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियां करनी है। पावर डिवीजन की वजीर आजम के इजलास में ब्रीफिंग। और बिफरा दरियाए सतलुज मलहका आबादियों में जा घुसा, बड़े पैमाने पर तबाही। कसूर में वल्ले वाला हिफाजती बंद को शदीद नुकसान। कई देहातों में पानी ही पानी। पाकपतन में भी कच्चे घर मुनहदम और फसलें तबाह हो गईं। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। फ्री मेडिकल कैंप्स कायम, मुफ्त राशन तकसीम। मलसी, चिश्तियाँ, मंचनाबाद, विहाड़ी, पाकपतन, हासिलपुर, आरिफ वाला और हेड सलमान की से लोगों का इनखला।